आपको क्या लगता है कि जैसे आप यंग साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल बन रहे हो, आपको डे टू डे कुछ प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी आ रही है ताकि हमारे जो यंगर और यंगर बच्चे बच्चे हैं वो सीख सकें, कि क्या आपको लगता है कि आपको हर्डल्स फेस कर रहे हैं? जैसे हम देखें कि हमें प्लेटफॉर्म की कमी, जी आप आपने प्लेटफॉर्म कहा की जैसे कमी क्या है जी। वो है और अगर किसी के पास प्लेटफॉर्म है तो उसे ये नहीं समझ आती कि मैं किस गाइडेंस कोर्स की से, कमी, जी इसका मतलब गाइडेंस की गाइडेंस कमी की है कमी है। इसका। लेकिन ये हम इस बात पे एग्री करेंगे कि हमारे पास इनफ एकेडमिक रिसोर्सेज हैं, यानी कि एकेडमिकली आपको डिग्री मिल रही है, सो वो वही बात है कि शायद वो इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड नहीं है आपके एकेडमिक्स। चलिए, ये तो हमारे लिए बहुत एक ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो गई। बिल्कुल यहाँ तक तो हमने मैम इसके जो है वो ज़रूरत की बात कर ली, स्कोप की बात कर ली। अगर हम बात करें इसकी ज़रूरत की और स्पेशली अगर हम अपने जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे देखें कि हमें हर रोज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की कितनी ज़रूरत है और किन चीज़ों के साथ हम डील कर सकते हैं, तो मैं आपका तजर्बा भी 26 साल का है माशाल्लाह इस फील्ड में, आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा और कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स आप हमारे साथ शेयर करें कि हम रिलेट कर सकें। जी, एक्चुअली हमारे यहाँ है बेसिकली पिल कल्चर। हमारा बिलीव ये है कि हम कहीं किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, दवाई ले लें और ठीक हो जाएं। सो लोग इस बात को इनकॉर्पोरेट अभी तक नहीं कर पा रहे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ आपको ना कि आपकी प्रॉब्लम को ठीक करता है बल्कि आपको एम्पावर करता है कि आप ज़िंदगी में जब भी कोई मसला आए तो बार बार आप थेरेपिस्ट के पास ना आए, आप खुद से करें। अब हमारे यहाँ चूँकि हम इन बातों पे बिलीव ही नहीं करते कि जी एक थेरेपिस्ट के पास जाना है, कुछ सेशंस हमें लेने पड़ेंगे, लेकिन आप ये देखें कि उसके लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपके ऊपर आते हैं। आप एक दवाई ले लेंगे उसकी टेम्प्रेरी रिलीफ आ जाएगी बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। सो हमारे यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को साइको एजुकेट करें, जिसमें उनको बताएं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ये मतलब आपके ऊपर टैग लगने वाली बात नहीं है बल्कि आप बच जाएंगे उस टैग से कि खुदा ना खास्ता आपको कोई ज़्यादा जहनी बड़ा जहनी मर्ज ना हो जाए। सो आपकी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ बहुत ही ब्रॉडर उसका फील्ड है कि वो साइको एजुकेट करता है, वो प्रिवेंट करता है, और मैं इसको बहुत ही डिवाइन फील करती हूँ क्योंकि डॉक्टर की तरह जिस तरह कुरान पाक में शिफा है, ये प्रोफेशन भी आपको शिफा ही देता है। बिल्कुल मैम, मैं आपकी बात से रिलेट करता हूँ और इवन दो कि हमारे माशरे के अंदर ये अलमिया है कि अगर हम बात करें कि यार तुम्हें साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है तो टैग लग जाता है। पहली बात जो हमें सुनने को मिलती है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो, तुम उनके पास जाओगे या दिमाग के डॉक्टर के पास जाओगे तुम। पागलों के डॉक्टर, पागलों के डॉक्टर्स, थैंक यू फॉर दी वर्ड। तो वो डायरेक्ट हमें यही सुनने को मिलता है। तो ऑब्वियसली हमें ये एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जिस तरह आपके सर में दर्द है तो आप सर की मेडिसिन लेने जाते हो, अगर आपके किसी और हिस्से का कोई ख़राबी है तो आप उसकी मेडिसिन लेने जाते हो, और अगर आपकी सोच का मसला है तो आप एक साइकोलॉजिस्ट को जाके उससे कंसर्न कर सकते हो। अबू बकर, मुझे मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा, इस तरह की कोई आपके पास एग्जाम्पल्स मौजूद हो जिससे हम ये कंसेप्ट रिलेट कर पाएँ कि लोग इसको एक्चुअल में लेते ही नहीं कि साइकोलॉजिस्ट कोई काम कर सकता है। जी, इसमें मैं अगर बात करूं तो हम देखेंगे अगर कोई क्लाइंट आ रहा है, या पेशेंट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कि अगर वो हमारे पास आ रहा है उसे कोई थॉट जो उसे ट्रिगर कर रही है, अगर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, बेसिकली मैं पहले ये बता दूं कि हमारी डोमेन्स क्या है। हमारी डोमेन में ये है कि हम उनकी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, उनकी असेसमेंट करेंगे। अब जैसे यहाँ लोग टैग लगा देते हैं कि जैसे हम जैसे ट्रेंड ये है कि मुझे डिप्रेशन है, एनजाइटी है, इवन कि उन्हें वो DSM का वो क्राइटेरिया या उनको सिम्टम्स का प्रॉपर पता ही नहीं होता कि बेसिकली ये डिप्रेशन है क्या। तो बेसिकली डिफरेंट टूल्स हैं, असेसमेंट टूल्स हैं, DSM का ये चेकलिस्ट है, तो उससे हम ये देखते हैं कि इस पेशेंट में सिम्टम्स हैं क्या, वो उसका टाइम ड्यूरेशन का क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, तो क्या ये उसकी उनकी जो 3 डोमेन्स हैं डिफरेंट पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल, उसको क्या वो इफ़ेक्ट कर रही है वो जो सिम्टम्स हैं। उसके बाद हम ये रिलेट करते हैं कि फिर उसके बाद हम प्रिवेंशन की तरफ आते हैं कि हम उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे हम उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अप्लाई करते हैं, हम उसकी जो थॉट्स है उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, रीफ्रेम करते हैं और उसको पॉजिटिव वे दिखाते हैं, और उसे दिखाते हैं कि एक जो थॉट आ रही है उससे आगे भी इसकी वो किसी और वे, पॉजिटिव वे में भी सोच सकता है, ऑप्टिमिस्टिक वे में भी सोच सकता है। तो बेसिकली ये हमारा है, और इसको हम उसको इतना एम्पावर करते हैं कि वो अगर उसे ऐसे सिम्टम फिर अगर अपेयर हों तो वो उसे कैसे कॉप अप करेगा उसके साथ। यहाँ पर अबू बकर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी
कि बहुत ज़रूरी है कि आप किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं, तो प्लीज़ ये हमारा एक मैसेज माइंड स्टूडियो की तरफ से मुस्तकिल होता रहेगा कि जब भी आप जा रहे हैं तो एक क्वालिफाइड के पास जाएं, सर्टिफाइड के पास नहीं जाएं। ये लाइफ कोच एक अलहदा चीज़ होती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमराज की, मर्ज़ की, जहाँ पर आपको एक टेक्निकल हेल्प चाहिए। सो ये प्लीज़ एक मेरे ख्याल से हमारा साइकोलॉजिस्ट एक फ़र्ज़ बनता है कि हम साथ साथ लोगों को एजुकेट करें कि प्लीज़ आप जब जाएँ देख के जाइए कि वहाँ पर कि जो हमारा थेरेपिस्ट है वो जिसके पास प्रॉपर डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमाज हैं, HSC रिकग्नाइज उसकी डिग्रीज़ हैं, और क्योंकि ये सर्टिफिकेशन जो है वो डिग्री का नेमल बदल नहीं है। सो ये एक मेरे ख्याल से हमारा एक पॉइंट है जो हमें बार बार री इन्फोर्स लोगों में करना है, क्योंकि वहाँ जाकर वो आपको अच्छी प्यारी बातें तो सुना देंगे लेकिन वो आपका मर्ज को ठीक नहीं करेंगे, और वो टाइम आपका गुजर जाएगा और पता चलेगा कि आपका मर्ज और बिगड़ गया। सो ये मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बिल्कुल है। बहुत अच्छी आपने बात की। जैसे अबू बक्कर ने भी कहा कि हमारे पास पूरा एक DSM होता है जिसमें क्राइटेरिया लिखा हुआ है, और उसको देख के, और जो आपने बात की कि अगर वो हम ऐसे सर्टिफाइड बंदे के पास जाते हैं इंस्टेड ऑफ के किसी मेल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं और वो गलत बता देता है, तो ये हमें यहाँ पे ये चीज़ रहेगी गारंटी कि अगर वो हमारा मसला हल नहीं कर रहा तो कम से कम मजीद बिगाड़ेगा नहीं हमारा मसला। नहीं, और देखिए उस्मान, जब आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, DSM का जो क्राइटेरिया है, जैसे टूल्स अबू बकर ने बताए, वो मेरे और या अबू बकर के बनाए हुए नहीं, वो स्टैंडर्डाइज टूल्स हैं जो क्रॉस द ग्लोब हैं, जो कि बड़े एक्सपेंसिव हैं, और रिलायबिलिटी वैलिडिटी उनकी इस्टेब्लिश होती है। ये वैसे जैसे आप लैब टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आपकी वैल्यूज आती हैं, उसकी बेस पे आपकी दवाई होती है। तो आपकी उन सारे चक्कर जो सारा असेसमेंट होता है उसके बाद हम देखते हैं कि अगर बहुत सवेयर है तो हम उसको साइकेट्रिस्ट के पास भेज देंगे। नहीं, हम देखेंगे, देखते हैं कि जो लाइव कोचेज या जो भी उन्होंने अपने कुछ बनाए हुए सेल्फ कुछ टूल्स वगैरह होते हैं, लेकिन जो अगर कोई प्रैक्टिसिंग में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता है वो इंटरनेशनल लेवल के साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं जिनकी बेसिस पे वो असेस कर रहा होता है, लेकिन वो कॉमन मैन को अबू बकर नहीं पता होता ना। तो यही तो हमें मैसेज स्प्रेड करना है कि जब आप जाते हैं और आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो आपको इतना नहीं उनका पता, सर्विसेज लेते, तो आप उनसे ये आपका राइट है कि पूछें जी आप कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज हैं नहीं है, ये आपका राइट तो बनता है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ की बात है। जो एक प्रोफेशनल है वो आपको एंड ऑफ द डे एक पूरी की पूरी रिपोर्ट देता है जिसमें उसने हर चीज़ लिखी होती है, मेंशन होती है, वहीं से आपको असेस हो जाएगा। यहाँ पर बहुत से लोगों को ये भाम भी है कि पता नहीं हम कहीं बैठे होते हैं, मेरे ख्याल से आप भी आहिस्ता से इंशाल्लाह एक्सपीरियंस करेंगे जब किसी सोशल गैदरिंग में चले जी आप मेरे बारे में बताएं, मेरा माइंड बताएं, तो हम मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा हम कोई जादू वादे वाले नहीं है, हमारी डिग्रीज हैं और हमारा सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन माइंड ज़रूर है, लेकिन हम कोई वो जादूगर नहीं है। आई थिंक वो यही समझते हैं और फिर उनके लिए यही जवाब है कि आप जो है ना वो हमारे आस्ताने पे आए। नहीं, वो बात है, फैसिनेशन जो है ना, फैसिनेशन ज़रूर है, लेकिन मैं चाहूँगी इस फैसिनेशन को आज के यंग बच्चे बच्चियाँ एक प्रॉपर कैरियर में कन्वर्ट करें और पैशनेटली इस कैरियर में आए, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट की आगे जाके ज़रूरत पड़ती जा रही है। ठीक है, अब उस्मान आपसे मैं पूछूँगी कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। जी मैम, लकीली मेरे ड्यूल में चल रहा है तो ये भी एक मेरा बड़ी एक दिल के करीब है जी। आपने क्यों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि ये बड़े अब थोड़ा सा बेहतर है हालात, कुछ आज से 5-10 साल पहले तो शायद इसको कोई जानता भी नहीं था जी।